नीरज मिश्रा जी जवाब दीजिए, आखिरी दिन भी कुछ काम विपक्ष करने देगा, चलने देगा सदन की कार्यवाही को या नहीं, या फिर आज भी रणनीति बनाइए हंगामे के लिए? विपनेश जी, पहले धनंजय गिरी जी की कुछ बातों के ऊपर हम लोग रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, इन्होंने कहा क्या। आप एक बात बताइए, सभ्य से सभा बनी तो क्या आप स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, क्या आप स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, क्या आप स्वर्गीय अरुण जेटली को असभ्य कह रहे हैं? और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए भाई साहब आपको। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने संसद की कार्रवाई को, संसद की मर्यादाओं को ऊपर किया, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो दिया वो सबसे ज्यादा समय तक सत्ता पक्ष में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने दिया। हम लोगों ने कभी भी विपक्ष के नेताओं की बातों को एक्सपंज नहीं किया। उसकी वजह सिर्फ ये रही कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, जो रिपोर्ट में और अभी हमारे जो संवाददाता कह रहे थे कि संसद के अंदर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दी इसीलिए गई है कि आप अपनी बात को रख सकें बिना उस डर के, बिना उस भय के, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजंस इस देश में पिछले 8 साल में इफेक्ट हुए हैं। आज ये मित्र काल की सरकार जो है, इसमें हम लोग बार बार सदन के अंदर शोर क्यों मचाते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई। आप एक बात बताइए, पिछले इस सदन का अगर हम लोग, विपनेश जी, अगर आंकड़े देखें कि किस किस वजह के ऊपर इस सदन को याद रखा जाएगा, पहली बात तो ये रहेगी कि विपक्ष के नेता खड़गे जी ने 13 बातें ऐसी कही जिनको इन्होंने एक्सपंज किया, जिसमें से एक भी असंसदीय भाषा नहीं थी। दूसरी बात किस तरीके से याद रखी जाएगी कि जब राहुल गांधी जी ने मित्र काल में अडानी और मोदी के संबंधों के ऊपर एक एक फैक्चुअल बात रखी तो आपने उसको लोकसभा में एक्सपंज कर दिया। आपने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान एक माननीय सांसद रजनी पाटिल जी को बिना अपना पक्ष रखे आपने उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस सबसे ज्यादा विपनेश जी याद क्या रखा जाएगा कि जब एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की यहां पर मांग हो रही थी, जब लिखा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड चल रहा है, तो उसकी आपने मांग को सिरे से खारिज कर दिया, उस पर आपने बोलना ठीक नहीं समझा। पिछले संसद सत्र में आपने चाइना के ऊपर बोलना ठीक नहीं समझा, चाइना की स्थिति भी आपके सामने है, कोरोना की स्थिति भी सामने थी, आज अडानी की स्थिति भी है। विपनेश जी, एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, तीनों मुद्दों पर मैं ये कहना चाहती हूँ, तब वो देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला था, उसमें सदन में ऐसे चर्चा नहीं हो सकती थी, सरकार अपना जवाब दे चुकी थी लेकिन विपक्ष नहीं माना। इस मामले में, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले में, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, बैंक अपने जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप सरकार को घेरे बैठे हुए हैं। जब आप मन बना ही चुके हैं कि हमें हंगामा करना है, हमें मुद्दा बनाना है, बस सरकार को घेरना है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना है, तो फिर क्या करेगी सरकार, बताइए आप। बीजेपी का तो यही कहना है। विपनेश जी, क्या वॉशिंग मशीन शब्द असंसदीय है? क्या हम उसको अपनी आम भाषा की डिक्शनरी से हटा दें? और ऐसे ही वो 13 वक्तव्य जो खड़गे जी ने दिए और जो राहुल गांधी जी ने दिए, आप मुझे एक वक्तव्य बता दीजिएगा जो असंसदीय हो, तो हम लोग अपनी सारी बात वापस रख लेंगे। सिर्फ मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर देता हूं विपनेश जी। सबसे पहली बात, LIC ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद ये कहा कि अब हम आज के बाद अडानी ग्रुप के किसी भी FPO में, किसी भी बाजार की उसकी किसी एंटिटी में अब हम लोग निवेश नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब था? LIC आज नींद से जाग गई है कि आम जनता का पैसा हम लोगों को अडानी ग्रुप में नहीं लगाना। आप सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा है। देश का कोई भी प्राइवेट म्यूचुअल फंड प्लेयर जिसके ऊपर सरकार की कोई दबाव नहीं है, उसने इनके FPOs में पार्टिसिपेट करने से मना किया, लेकिन देश की जनता का जो पैसा LIC और SBI में है, उसे जबरदस्ती आप लोगों ने अडानी ग्रुप में डलवा दिया। दूसरी बात विपनेश जी, सबसे बड़ा जो तमाचा इस पूरे सदन में पड़ा है वो देश के ईमानदार मीडिया के ऊपर पड़ा है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसको हम लोग अलग कर देते हैं, आप फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का क्या करेंगी, आप इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट का क्या करेंगी, आप टेलीग्राफ की रिपोर्ट का काम क्या करेंगी, आप News 24 की रिपोर्ट्स का काम क्या करेंगी? जब सदन में ये कहा जाता है कि ये सारी रिपोर्ट्स जिनके अंदर लिखा गया कि किस तरीके से कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहा है, आज उसको वैलिडेट करिए, तो आपके जैसे ईमानदार पत्रकार अब इस देश के अंदर करेंगे क्या? मुझे तो इस पर जवाब चाहिए। हिंडनबर्ग मुद्दा नहीं है, देश के ईमानदार पत्रकारों ने जो पिछले 9 साल में लिखा कि इस देश के अंदर इस तरीके से कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहा है, मित्रकाल चल रहा है, उन ईमानदार पत्रकारों का क्या होगा, इस पर जवाब मांगना चाहिए। लेती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।